रंगा बिल्ला हाय हाय 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इनके कानों को इंसाफ देना होगा देना होगा देना होगा इनके कानों को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो इनके कानों को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो नारी के सम्मान कर रहे हैं हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको जो है तो कॉपरेट कीजिए हमारा माइक लेके आप क्या करना चाह रहे हैं आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं हमको आप हमारी आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं क्या हमारी आप क्या मतलब क्या हमको बताइए आप क्या मसला है ये हमारे साथ क्यों ऐसा प्रॉब्लम कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम क्या हमने कल ऑलरेडी कल जो इंफॉर्मेशन किया है कि हमको सहकारी कीजिए बोल के हमने आपको जो तो सब दिया है क्या हमको थोड़ा यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं उसमें साफ तरीके से लिखा है कि हम इसको जो है यहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा धरना प्रदर्शन बोले तो नारेबाजी तो होगा उसके अंदर अब माइक लेके क्या मतलब क्या है वजह है माइक लेने की हमारी यहाँ पे बाजू में रखो भाई तुम्हारे को ये परमिशन नहीं माइक जो है ना जो परमिशन एम्पलीफायर और जो डीजे वगैरह ये छोटा सा ये माइक है इसके अंदर इसमें आप क्या इसका आवाज़ यहाँ से इतना भी नहीं जाता आगे अब हमारे जो है तो आवाज़ तो पहुँचना चाहिए ना कम से कम लोगों तक कैसा मालूम पड़ेगा यहाँ से आवाज़ आ रहा ना हाँ तो वो बात है वो लाउड स्पीकर चलता ही नहीं वो स्पीकर रहोगे आप जो तो आप अच्छी तरह हमारे से ज़्यादा अच्छे लाओ जानने लोग हैं कि वो बड़े स्पीकर जो रहते हैं जो डीजे बड़े वाले उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है पर आप सर हमको आप हम एक ही बात कर रहे हैं आप कॉपरेट कीजिए सर हमारे से थोड़ी देर हमेशा अभी पहली बार यूज़ कर रहे हैं आप हमेशा हम स्पीकर यूज़ करते हैं आपने कभी हमारे से स्पीकर छीना नहीं आज तक हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश मत कीजिए ना सर आप प्रोटेस्ट करें जो यहाँ पर किया जा रहा है ये SDPI की जानिब से है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से असल में आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए और तानाशाही राज के अंदर जो हिंदुस्तान के कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और मजलूमों के ऊपर जो जुल्म उड़ाया जा रहा है जैसे आप लोग भी अच्छे से जानते हैं पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है कि 2002 के अंदर गुजरात के अंदर कैसा नंगा नाच किया गया था एक शायरा ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया माँ के पेट से चीर के बच्चा मार दिया ये मुल्क हिंदुस्तान के नाम पर 2002 जो गुजरात मॉडल है 2002 का जो गुजरात मॉडल है ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान के नाम पर एक धब्बा है प्लस में हम लोगों ने 75वीं सालगिरह हमारे जश्न मनाई है यौम आज़ादी के तौर पर एक तरफ इस मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि आप लोग नारी का सम्मान कीजिए नारी के सम्मान के अंदर नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देते हैं और उसी भाषण के इधर भाषण चल रहा है इधर से जो है तो गुजरात की गवर्नमेंट जो बलात्कारी है बिल्किस बानो के मैं जब उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो उसकी हिस्ट्री के अंदर 14 लोगों के कातिल है ये और बिल्किस बानो के जो 5 माह की हामेला थी उसके साथ इन बलात्कारियों ने इन दरिंदों ने इन गद्दारों ने जो एक नारी का सम्मान को ठेस पहुंचाई और नरेंद्र मोदी की जो अल्फाज है उसके खिलाफ वर्जी ये लोग किए हैं और बिल्किस बानो उसके सामने उसकी 3 साल मासूम बच्ची का भी कत्ल किया ये सारी बातों को लेकर के आज 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और जो उसके प्रदर्शन उसके खिलाफ कर रहे हैं कि आप लोग इनको इंसाफ के दायरे के अंदर लेकर आइए बिल्किस बानो का इंसाफ दीजिए तो ये उन लोगों के ऊपर जो है तो कार्रवाई कर रहे हैं हालांकि कार्रवाई उन बलात्कारियों पर होना चाहिए था उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी तो बिल्किस बानो ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान ने इंसाफ दिया है लेकिन प्लस में क्या हुआ कि 75वीं सालगिरह पर जश्न के मौके पर एक पूरे हिंदुस्तानी कौम को एक पैगाम दिया गया है अल्पसंख्या हो चाहे कोई भी माइनॉरिटी के अंदर रहने वाली कौम हो
ये संदेश दिया गया है कि नरेंद्र मोदी कहता है कि नारी का सम्मान करो, लेकिन बलात्कार करने वालों को छूट दे दी जाएगी, बलात्कार करने वालों को आज़ादी दे दी जाएगी। इस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, जो हिंदुस्तान का जनाजा निकाल चुकी है, यहाँ की आवाम के जनाजा निकाल चुकी है, वो गवर्नमेंट जो है तो बलात्कारियों को आज़ादी दे रही है। तो आज यहाँ पर SDPI की जानिब से जो आंदोलन धरना रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है कि उन बलात्कारियों को दोबारा जेल के अंदर डालना है। जेल के अंदर नहीं, बल्कि हम तो मांग करते कि उनको फांसी देनी चाहिए। आपका पूरा नाम? हमारा नाम है मौलाना शेख मुस्तकीम काशमी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI आज जो है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा ये धरना आंदोलन चल रहा है। ये धरना आंदोलन सिर्फ औरंगाबाद में नहीं है, आज जो है तो पूरे मुल्क के अंदर SDPI सड़कों पर उतरी है। सड़कों पर उतरने की वजह ये है क्योंकि बिल्किस बानो जो केस है उसके अंदर जो गुजरात सरकार ने जो ये लोगों को 11 लोगों को जो रिहा किया गया है, ये आप सब हम सब जानते हैं कि किस तरह से बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार किया गया और किस तरह उनके ऊपर हवानत का खेल खेला गया था। ये गुजरात दंगे के वक्त की बात है। ऐसे दरिंदों को और ऐसे नर बख्शियों को ये गुजरात सरकार ने माफ़ी देकर ये हमारे देश को जो है तो शर्मसार किया है, बल्कि देश ही नहीं पूरे दुनिया को शर्मसार किया है। आज पूरे लोग जो है तो जितने भी अमन पसंद और इंसाफ पसंद जो लोग यहाँ सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं और दिल्ली की सड़कों पर और पूरे इंडिया के सड़कों पर आज इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो SDPI इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरी है कि इन लोगों को वापस जेल की कोठरी में डाला जाए और इनके जो उम्र कैद चल रही थी उससे भी इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और इनको जो तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। और इस जजमेंट के जो जज थे इसके, जिन्होंने ये जजमेंट दिया था इनको उम्र कैद की सजा, आज उनका भी बयान सामने आया है, वो भी परेशान है कि इनको किस तरह से जैसा छोड़ा गया है। और छोड़ा गया तो गया है, और ये BJP का MLA वहाँ का गुजरात का ये बोलता है कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। ये ऐसे संस्कार होते हैं क्या ब्राह्मणों के, क्या एक महिला के ऊपर 11 लोग जो है तो बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं और उसी घर के 7 लोगों को जो है तो कत्ल किया जाता है। ये संस्कार क्या ब्राह्मण के संस्कार है? और उनको जो है तो विश्व हिंदू परिषद और ये संघी मानसिकता वाले लोग उनको पेड़े खिलाते हैं और उनको जो है तो स्वागत करते हैं जैसे उन्होंने कोई गोल्ड मेडल हासिल किया हो। तो हमारी ये हम जो है तो अभी निवेदन देने वाले हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब को कि इनको राष्ट्रपति के कलेक्टर के सुरो जो है तो हम राष्ट्रपति को निवेदन करने वाले हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द इनको अरेस्ट किया जाए और इनकी जो है तो माफ़ी को रद्द किया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहसिन खान, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद।